गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं आपको जो ऑल माई सन्स प्ले है उसका 13th पार्ट करवाने जा रही हूँ। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जॉर्ज जो वो क्रिस और जो कैलर के घर पे आ गया है और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है क्योंकि वो अपने फादर से मिल के आया है। और उसको पता चल गया है कि उसके फादर को फंसाया गया है। तो जॉर्ज है वो क्रिस के साथ आर्ग्यूमेंट कर रहा है कि वो अपने फादर को ब्लेम नहीं कर रहा, वो मेरे फादर को ब्लेम कर रहा है, जबकि नुकसान जो है उसके फादर ने किया है, जॉ कैलर ने। और वो कह रहा है कि एना जो है वो क्रिस से शादी नहीं कर सकती क्योंकि क्रिस के फादर ने हमारी फैमिली को बर्बाद कर दिया है। तो हम आगे उनके आर्ग्यूमेंट्स पढ़ने जा रहे हैं। जॉर्ज कहता है बिकॉज यू बिलीव इट, तुम्हें बिलीव करना होगा, दैट्स ट्रू, ये सही है क्रिस, आई बिलीव एवरीथिंग, मैं हर चीज़ पर यकीन करता हूँ, बिकॉज आई थॉट यू डिड, क्योंकि मुझे आई थॉट यू डिड, मुझे पता है तुम ये करोगे। बट टुडे आई हियर इट फ्रॉम हिज माउथ, मैं उनके मुँह से सुन के आया हूँ, फ्रॉम हिज माउथ इट्स ऑल टुगेदर डिफरेंट दैट द रिकॉर्ड, कहते जो उन्होंने अपने मुँह से मुझे बताया है वो रिकॉर्ड में बिल्कुल अलग है, मतलब कोर्ट में जो बातें हुई हैं वो और हुई हैं और जो मेरे फादर बोल रहे हैं वो बिल्कुल ओपोजिट है। एनी वन हु नोज़ हिम, जो भी उनको कोई जानता है, नोज़ योर फादर, और तुम्हारे फादर को जानता है, विल बिलीव इट फ्रॉम हिज माउथ, वो उनके कहने पे यकीन करेंगे। योर डैड टुक एवरीथिंग वी हैव, तुम्हारे डैड हमारे पास जो कुछ भी था वो सब ले गए हैं, आई कैन नॉट बीट दैट, मैं इसके लिए कुछ कर नहीं सकता, बट शी इज़ वन आइटम, ही इज़ नॉट गोइंग टू गव, और उनके पास सिर्फ ये एना बची है जो वो गवाना नहीं चाहते हैं। गेट योर थिंग्स, Everything they have is covered with blood. सब कुछ जो है खून से कवर हो चुका है। You are not the kind of girl who can live with that. तुम ऐसी लड़की नहीं हो जो उनके घर पर रह सको। Get your things. अपना सामान बांधो। क्रिस कहता है एना यू आर नॉट गोइंग टू बिलीव दैट, यू आर, एना को कहता है कि तुम इस सब बातों पे यकीन नहीं कर सकती। एना कहती है यू नो इट्स नॉट ट्रू, डोंट यू, तुम्हें नहीं पता कि ये सच नहीं है। जॉर्ज कहता है हाउ कैन ही टेल यू, ये तुम्हें कैसे बता सकता है, इट्स हिज स्ट्रेस डैड, वो क्या उसके फादर हैं, नन ऑफ दीज थिंग्स एवर इवर क्रॉस योर माइंड, कोई भी चीज़ तुम्हारे माइंड को क्रॉस नहीं कर सकती। येस दे क्रॉस्ड माई माइंड, क्रिस कहता है कि हाँ ये मेरी माइंड को क्रॉस कर सकती है, एवरी थिंग कैन क्रॉस योर माइंड, और हर कोई चीज़ तुम्हारे माइंड को क्रॉस कर सकती है। जॉर्ज कहता है ही नोज एना, ही नोज, ये जानता है एना, ये जानता है। क्रिस कहता है आर द गॉड द वॉइस ऑफ गॉड, परमात्मा के लिए चुप हो जाओ। जॉर्ज कहता है देन वाई इज नॉट योर नेम ऑन द बिजनेस, एक्सप्लेन दैट ऑफर टू हर, कहता है कि इसलिए तुम्हारा नाम बिजनेस में क्यों नहीं है, एक्सप्लेन करो इसको कि तुम्हारा नाम बिजनेस में क्यों नहीं रखा गया। व्हाट द हेल हैज़ दैट गो टू डू विद, ये तुम इस तरह की बातें क्यों कर रहे हो, क्रिस पूछ रहा है। जॉर्ज कहता है ना वाई इज़ नॉट हिज नेम ऑन इट, एना से पूछता है जॉर्ज कि इसका नाम बिजनेस में क्यों नहीं है। क्रिस कहता है इवन वैन आई डोंट वॉन्ट इट, कहता है क्योंकि वो मैंने नहीं खरीदा है बिजनेस, इसलिए मेरा नाम उसमें नहीं है। जॉर्ज कहता है Who are you kidding? किसको मूर्ख बना रहे हो? Who gets it when he dies? जब वो मर जाएंगे तो उसके बाद कौन लेगा उसको? Open your eyes, अपनी आँखें खोलो। You know the both of them, तुम दोनों को जानती हो। Is not that the first thing they had to, ये कोई पहली चीज़ नहीं है जो वो कर रहे हैं। The way they love each other, जिस तरीके से वो एक दूसरे को प्यार करती हैं। जियो कैलर एंड सन्स, ये उस कंपनी का नाम है, जियो कैलर एंड सन्स। आई विल सेटल इट, मैं सब सेटल कर दूंगा। डू यू वॉन्ट टू सेटल इट, क्या तुम सेटल करना चाहते हो? और आर यू अफ्रेड ऑफ, क्या यू या तुम डर रहे हो? क्रिस कहता है व्हाट डू यू मीन, तुम्हारा क्या मतलब है? जॉर्ज कहता है लेट मी गो अप एंड टॉक टू योर फादर, मुझे जाने दो और मैं तुम्हारे फादर से बात करना चाहता हूँ। इन 10 मिनट्स यू विल हैव द आंसर, और 10 मिनटों में तुम्हें उसका जवाब मिल जाएगा। और आर यू अफ्रेड ऑफ द आंसर, या तुम आंसर से डर रहे हो? क्रिस कहता है आई एम नॉट अफ्रेड द आंसर, मैं किसी आंसर से नहीं डर रहा हूँ। आई नो द आंसर, मुझे आंसर पता है, बट माई मदर इज़ नॉट वेल एंड आई डोंट वॉन्ट अ फाइट हियर नाउ, पर मेरी मदर ठीक नहीं है और मैं नहीं चाहता कि यहाँ पर लड़ाई हो। जॉर्ज कहता है लेट मी गो टू हिम, मुझे उसके पास जाने दो। क्रिस कहता है यू आर नॉट गोइंग टू स्टार्ट अ फाइट हियर नाउ, तुम यहाँ पे लड़ाई शुरू नहीं कर सकते हो। जॉर्ज कहता है एना को व्हाट मोर डू यू वांट, तुम और क्या चाहती हो? एना कहती है सम वंस कमिंग, मुझे लगता है कोई आ रहा है। क्रिस कहता है यू वुड नॉट से एनीथिंग नाउ, तुम किसी को कुछ नहीं बताओगे।
एना कहती है वी विल गो सून, हम जल्दी चले जाएंगे, आई कॉल अ कैब, मैंने कैब को बुला लिया है, कैब मतलब टैक्सी को बुला लिया है। जॉर्ज कहता है यू आर कमिंग विद मी, तुम मेरे साथ जा रही हो। एना कहती है एंड डोंट मैंशन मैरिज बिकॉज वी हैव नॉट टोल्ड हर येट, कहते तुम, एना कहते कि तुम कैट से शादी की बात नहीं करोगे क्योंकि हमने उसे कुछ भी नहीं बताया अभी। जॉर्ज कहता है यू आर कमिंग विद मी, तुम मेरे साथ चल रही हो। एना कहती है यू अंडरस्टैंड, तुमने सुना, डोंट जॉर्ज यू आर नॉट गोइंग टू स्टार्ट एवरी थिंग नाउ, कहते तुम अब कुछ भी दोबारा जो है शुरू नहीं करोगे। मदर एंटर्स ऑन पोर्च, मदर आती है, शी इज़ ड्रेस्ड ऑलमोस्ट फॉर्मली, फॉर्मल ड्रेस में होती है वो, हर हेयर इज फिक्स्ड, उसने बाल बहुत अच्छे से बांध रखे हैं, दे आर ऑल टर्न टूवर्ड हर। ऑन सेइंग जॉर्ज शी राइजेस बोथ हैंड्स कम्स डाउन टूवर्ड हिम, जॉर्ज को देख के वह अपनी दोनों बाहें फैलाती है और उसकी तरफ बढ़ती है। मदर कहती है जॉर्ज जॉर्ज, मदर आती है और जॉर्ज जॉर्ज पुकारती है। जॉर्ज कहता है हेलो कैट, मदर कहती है दे मेड एन ओल्ड मैन आउट ऑफ यू, लुक यू आर ग्रे, कहता है कि तुम तो बुजुर्ग हो चुके हो, तुम तो ग्रे दिखने लगे हो। जॉर्ज कहता है आई नो, मुझे पता है। मदर कहती है आई टोल्ड यू व्हेन यू वेंट अवे डोंट ट्राई फॉर मेडल्स, कहते मैं तुम्हें आई टोल्ड यू, मैं तुम्हें बताती हूँ व्हेन यू वेंट अवे, जब तुम यहाँ से गए थे, डोंट ट्राई फॉर मेडल्स, मेडल्स के लिए ट्राई मत करना। जॉर्ज हंसता है आई डोंट ट्राई कैट, मैंने ट्राई नहीं किया था, दे मेड इट वेरी इजी फॉर मी, वो मेरे लिए बहुत आसान हो गई थी। मदर कहती है गो ऑन, यू आर ऑल अलाइक, लुक एट हिम, वाई डिड यू से ही इज़ फाइन, ही लुक्स लाइक अ गोस्ट, तुम कैसे कह सकते हो ये ठीक है, ये तो गोस्ट भूत की तरह लग रहा है। जॉर्ज कहता है आई फील ऑल राइट, नहीं नहीं मैं ठीक हूँ। मदर कहते हैं आई एम सिक टू लुक एट यू, आई एम सिक टू लुक एट यू, मैं बीमार हूँ तुम्हारी तरफ देख रही हूँ। व्हाट्स द मैटर यू विद योर मदर, वाई डोंट शी फीड यू, तुम्हारी मदर को क्या हुआ है, वो तुम्हें खाना क्यों नहीं देते। एना कहती है ही जस्ट हैज़ नॉट एनी एपिटेट, कहते ये उस वो खुद ही नहीं खाता। मदर कहती है इफ़ ही हैड इन माई हाउस ही हैड हैव एन एपिटेट, कहता अगर वो मदर कहते कि अगर ये मेरे घर में खाना खाएगा तो ये एपिटेट हो जाएगा। आई पिटी योर हस्बैंड, मुझे तुम्हारे हस्बैंड पे तरस आ रहा है। जॉर्ज को कहते हैं सिट डाउन, आई विल मेक यू अ सैंडविच, मैं तुम्हारे लिए सैंडविच बनाती हूँ। जॉर्ज कहता है आई एम रियली नॉट हंगरी, मुझे अभी भूख नहीं है। मदर कहती है ऑनेस्ट टू गॉड इट ब्रेक्स माई हर्ट टू सी वट हैपन टू ऑल द चिल्ड्रन, कहती ऑनेस्ट टू गॉड, परमात्मा के सामने ईमानदार होते हुए कहती है इट ब्रेक माई हर्ट टू सी वट हैपन टू ऑल द चिल्ड्रन, मेरा दिल दुखता है जब मैं बच्चों को तरफ देखती हूँ कि वो कुछ खाते नहीं हैं, कमज़ोर हो गए हैं। हाउ वी वर्कड एंड प्लान फॉर यू, हम तुम्हारे लिए काम कैसे करेंगे, प्लान कैसे करेंगे, एंड यू एंड अप नो बेटर देन अस, और तुम हमारे लिए बेटर कैसे बन पाओगे। जॉर्ज कहता है यू डोंट हैव चेंज्ड एट ऑल, यू नो दैट कैट, कहता तुम अभी भी चेंज नहीं हो, यो तुम अभी भी वैसी की ही वैसी हो जैसे पहले थी। मदर कहती है नन ऑफ अस चेंज जॉर्ज, हम में से कोई भी चेंज नहीं हुआ, वी ऑल लव यू, हम सब तुम्हें प्यार करते हैं। जो वॉज वेंट टॉकिंग अबाउट द डे यू वर बॉर्न, जॉर्ज तो बातें कर रहे थे जब तुम पैदा हुए थे, एंड द वाटर गॉट शट अप, और पानी बंद हो गया था। पीपल वर कैरिंग बेसिन्स फ्रॉम अ ब्लॉक अवे, और लोगों ने अपने बाल्टियाँ उठा के ब्लॉक में जाना शुरू कर दिया था। अ स्ट्रेंज वुड हैव थॉट द होल ब्लॉक वॉज ऑन फायर, और बाहर के लोगों को ऐसा लग रहा था कि शायद बिल्डिंग में आग लग गई है। Why did not you give him some juice, तुमने इसे जूस क्यों नहीं दिया, एना को बोलती है। एना कहती है आई ऑफर्ड इट टू हिम, मैंने उनको ऑफर किया था। मदर कहती है यू ऑफर्ड इट टू हिम, तुमने उन्हें ऑफर किया था, गिव इट टू हिम, ऑफ़र नहीं करना, उसको पकड़ाओ। एंड नाउ यू आर गोइंग टू सिट हेयर एंड ड्रिंक सम जूस, और तुम यहाँ पे बैठो और थोड़ा जूस पियो। एंड लुक एट समथिंग, और कुछ देखो। जॉर्ज कहता है कैट आई फील हंगरी ऑलरेडी, मैं पहले ही भूखा हूँ। क्रिस कहता है शी कुड टर्न महात्मा गांधी इन टू हैवी वेट, कहता कि ये शायद महात्मा गांधी की तरह हैवी वेट हो गया है, मतलब कमेंट करता है उसको। मदर कहती है लिसन टू हेल्प विद द रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट को छोड़ो, आई गॉट अ हम इन द आइस बॉक्स एंड फ्रोजन स्ट्रॉबेरीज एंड एवॉक्स, एंड कहते कि मैंने कुछ आइस बॉक्स में फ्रोजन जो स्ट्रॉबेरीज रख रखी हैं, एवा कोट्स रख रखे हैं। एना कहती है स्वेल आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ। जॉर्ज कहता है द ट्रेन लीव्स एट 8:30, है ना, वो जॉर्ज को कहता है, जॉर्ज एना को कहता है कि 8:30 बजे हमारी ट्रेन है, हमें जाना होगा। मदर कहते हैं यू आर लिविंग, तुम जा रहे हो।
क्रिस कहता है नो मदर शी इज़ नॉट, नहीं मदर एना नहीं जा रही। एना कहती है यू हार्डली गॉट द हेयर, गिव योर सेल्फ अ चांस टू गेट अ क्यूरियन अगेन। जॉर्ज को कहते हैं कि तुम्हें यहाँ रुकना चाहिए और अपने आप को चांस देना चाहिए कुछ समझने के लिए। क्रिस कहता है श्योर यू डो नॉट इवन नो अस एनीमोर, तुम हमें अभी अच्छी तरह से नहीं जानते हो। मदर कहते हैं वेल क्रिस इफ़ दे कांट स्टे आई डोंट, कहते मदर कहते हैं कि क्रिस अगर ये नहीं रुक सकते तो मैं भी, वो चुप हो जाती है। क्रिस कहता है नो इट्स जस्ट अ क्वेश्चन ऑफ जॉर्ज मदर, ही प्लान्ड ऑन, ये क्वेश्चन है प्लान के लिए और वो प्लान कर रहा है। जॉर्ज कहता है नाउ वेट अ मिनट क्रिस, एक मिनट रुको क्रिस। क्रिस कहता है इफ़ यू वॉन्ट टू गो, अगर तुम जाना चाहते हो आई विल ड्राइव यू टू द स्टेशन नाउ, मैं तुम्हें स्टेशन छोड़ के आ सकता हूँ, बट इफ़ यू आर स्टेइंग, अगर तुम यहाँ रहोगे नो आर्ग्यूमेंट वाइल यू आर हेयर, और जब तक तुम यहाँ पे हो कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करोगे। मदर कहती है वाई शुड ही आर्ग्यू, ये आर्ग्यू क्यों कर रहा है, जॉर्ज एंड अस हैव नो आर्ग्यूमेंट, हम जॉर्ज और हमारे बीच में कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होना चाहिए। हाउ कुड वी हैव एन आर्ग्यूमेंट, हम आर्ग्यूमेंट कैसे कर सकते हैं जॉर्ज, वी ऑल गॉट हिट बाय द सेम लाइटनिंग, हाउ कैन यू, हम सभी तो एक ही लाइटनिंग में हैं, ऐसा कैसे कर सकते हो। डिड यू सी वट हैपन टू लैरीज ट्री जॉर्ज, तुमने लैरी की ट्री को देखा, उसके साथ क्या हुआ है, इमेजिन करो। While I was dreaming of him in the mid of the night, जब मैं उसका रात को सपना ले रही थी, the wind came along, तब हवा आई, वो उसको कहानी सुनाने लग जाती है अपनी पुरानी। Linda enters on the porch, Linda आती है as soon as she feels sees him, और वो जॉर्ज की तरफ देखती है। Linda कहती है हाई जॉर्ज, जॉर्ज 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 जॉर्ज, शी हैज़ अ फ्लावर्ड हैट इन हर हैंड, उसके हाथ में एक फ्लावर्स की हैट है, विच कैट टेक्स फ्रॉम हर एज शी गोज टू जॉर्ज, जब जॉर्ज चला गया तो उससे वो ले ली थी। जॉर्ज कहता है हेलो लफी, व्हाट्स डू व्हाट हैड यू डू ग्रो, आई एम बिग गर्ल नाउ, कहती मैं बड़ी लड़की हो गई हूँ। मदर कहती है लुक वट ही कैन डू टू अ हैट, देखो उसने हैट के साथ क्या किया है। एना कहते हैं डिड यू मेक दैट, क्या ये तुमने बनाई है। मदर कहती है इन 10 मिनट्स, 10 मिनट में। लिंडा कहती है आई ऑलरेडी रीअरेंज इट, मैंने तो इसको सिर्फ सेट किया है। जॉर्ज कहता है यू स्टिल मेक योर ओन क्लोथ, तुम अभी भी अपने क्लोथ आप खुद सीती हो। क्रिस कहता है आर नॉट शी क्लसी, ऑल शी नीड्स नाउ इज़ अ रशियन वुल्फ हाउंड। मदर कहते हैं इट फील्स लाइक समबडी सिटिंग ऑन माई हेड, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई मेरे सर पे बैठा हो। नो इट्स ब्यूटीफुल कैट, नहीं नहीं ये तो बहुत अच्छी लग रही है। मदर कहती है शी इज़ जीनियस, यू शुड हैव मैरिड हर, तुम्हें इसके साथ शादी कर लेनी चाहिए। दिस वन कैन फीड यू, ये तुम्हें खाना अच्छे से खिलाएगी। लिंडा कहती है ओ स्टॉप दैट कैट, बस करो। जॉर्ज कहता है डिड यू हेयर, डिड नॉट आई हेयर यू हैड अ बेबी, मैंने नहीं सुना कि तुम्हारा कोई बेबी है। मदर कहती है यू डोंट हेयर सो गुड, शी इज़ गुड, थ्री शी हैज़ गॉट थ्री बेबीज, इसके तो 3 बच्चे हैं। जॉर्ज कहता है नो किडिंग, 3, मजाक मत करो, 3। लीला कहती है या इट वॉज 1, 2, 3, यू हैव अवे अ लॉन्ग टाइम जॉर्ज, तुम्हें आए हुए बहुत टाइम हो गया। आई एम बिगनिंग टू रियलाइज, मैं शुरू से रियलाइज करना चाहता हूँ। मदर कहती है तो द ट्रेवल विद यू किड्स इज यू थिंक टू मच। लेना कहती है वेल वी थिंक टू, हम सोच सकते हैं। मदर कहती है येस बट नॉट ऑल द टाइम, पर पूरा टाइम नहीं। जॉर्ज कहता है दे नेवर टुक फ्रैंक, वो अभी भी फ्रैंक के पास नहीं जाते। लिंडा कहती है नो ही वॉज ऑलवेज 1 ईयर अहेड ऑफ द ड्राफ्ट, कहते नहीं वो तो अभी भी ड्राफ्ट में लगा हुआ है 1 साल से। इट्स अमेजिंग व्हेन दे वर कॉलिंग बॉयज 37 फ्रैंक वॉज 30, 27 फ्रैंक वॉज 28, व्हेन दे मेड इट 28 ही वॉज जस्ट 29, दैट्स वाई ही टुक अप एस्ट्रोलॉजी, इट्स ऑल इन व्हेन यू वर बॉर्न इट मस्ट जस्ट गो टू स्लो। कहते ये तो जब वो बॉयज़ को बुलाता है 37 फ्रैंक जो होते हैं वो 38 हो जाते हैं, 38 होते हैं तो 39 हो जाते हैं, इसीलिए तो उसने एस्ट्रोलॉजी की है। बट डज इट गो टू स्लो, इतना स्लो क्यों है वो, डोंट बी सो इंटेलिजेंट, इतने इंटेलिजेंट मत बनो। सम सुपरस्टिशियस वॉज वेरी नाइस, कुछ जो बहम भ्रम होते हैं वो नाइस होते हैं। डिड ही फिनिश लैरी हॉरोस्कोप, क्या तुम उसने लैरी की हॉरोस्कोप है जो उसको ख़त्म कर लिया है। लिंडा कहते हैं आई विल आस्क हिम नाउ, मैं उसको पूछूंगी, आई एम गोइंग इन, मैं अभी जाऊंगी। वुड यू लाइक टू सी माई बेबीज, क्या तुम मेरे बेबीज देखना चाहती हो, जॉर्ज को पूछती है। कम ऑन आई डू नॉट थिंक सो लिंडा, मैं अभी नहीं आ सकता।
ऑल राइट गुड लक टू यू। जॉर्ज को गुड लक कह के वो चली जाती है। थैंक यू फॉर एंडी एंड टू यू एंड फ्रैंक, तुम्हें और तुम्हारे हस्बैंड फ्रैंक को। ओ फ्रैंक, लिंडा कहती है शी गॉट प्रिटी, अच्छी है ना। जॉर्ज कहता है वेरी प्रिटी। मदर कहते हैं शी इज़ ब्यूटीफुल यू डैम्ड फूल, वो ब्यूटीफुल है और तुम मूर्ख हो। जॉर्ज कहता है शी मेक्स इट सीम सो नाइस अराउंड हियर। मदर कहती है लुक व्हाट हैपन टू यू बिकॉज यू वुड नॉट लिसन टू मी, तुम्हें क्या हुआ है, तुम मेरी बात अच्छे से क्यों नहीं सुन रहे हो। आई टोल्ड यू टू मैरी दैट गर्ल एंड स्टे आउट ऑफ द वॉर, मैं चाहती हूँ कि तुम इस लड़की से शादी कर लो और वॉर से दूर रहो। जॉर्ज हंसता हुआ कहता है शी यूज़ टू लाफ टू मच, कहता तुम बहुत ही मजाक भरे काम करती हो। मदर कहते हैं एंड यू डिड नॉट लाफ इनफ, और तुम मुस्कुराते ही नहीं हो। व्हाइल यू वर गेटिंग ए मैड अबाउट फैसिसिज्म, फ्रैंक वॉज गेटिंग इन टू हर बेड। जॉर्ज कहता है ही वॉन द वॉर फ्रैंक, उसने फ्रैंक ने जीत लिया। ऑल द बैटल्स, हाँ सारी बैटल्स, सारी लड़ाइयाँ। द डे, मदर कहते हैं द डे दे स्टार्टेड द ड्राफ्ट जॉर्ज आई टोल्ड यू यू लव दैट गर्ल, वो फ्रैंक है जो वो तो अपना दिन ड्राफ्ट से शुरू करता है। आई टोल्ड यू यू लव दैट गर्ल, मैं तुम्हें बताती हूँ तुम उस लड़की को प्यार करोगे। क्रिस कहता है एंड ट्रू लव हैथ नो मैन, जो ट्रू लव होता है वो आदमी को नहीं देखता। मदर कहते हैं आई एम स्मार्टर देन एनी ऑफ यू, कहते मैं तुम सबसे ज़्यादा स्मार्ट हूँ। जॉर्ज कहता है शी इज़ वंडरफुल, तो वो कहता है मुस्कुराता हुआ कहता है कि तुम बहुत वंडरफुल हो। तो आगे उनकी कन्वर्सेशन कैसे चलती है तो वो हम आगे 14th पार्ट में करेंगे, तब तक आप इसको 13th पार्ट को अच्छे से समझ लो। अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कहीं से कोई बात समझ में नहीं आई, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके बेटा, ओके बाय बाय।